मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो कहती है कि भारत दुनिया की 5 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन किसानों के मुद्दे से हमेशा भड़काने का काम करती आई है। जब आप किसानों को लेकर भारत रत्न दे रहे हैं तो SP कानून बनाने को लेकर क्या दिक्कत आ रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े लोगों के लिए काम करती है, किसानों की आय क्यों नहीं बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी MSP जैसे कानून पर मजबूती से काम करना क्यों नहीं चाहती है। आगे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तुम्हें कौन सा देश याद आ गया, यहाँ किसान आंदोलन कर रहा है, किसान पर आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, किसान को डराया धमकाया जा रहा है। ये किसान को कानूनी MSP मिले, उसके लिए कानून बने। यहाँ जितने किसान हैं और आप में से सब लोग ये महसूस कर सकते हैं कि किसान की आय बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी आगे। अगर 5वें नंबर से 2 नंबर 1 नंबर पे लाना चाहते हैं तो सरकार को किसान की आय दोगुनी कर दें, अपने आप 2 नंबर और 1 नंबर पे अर्थव्यवस्था भारत की पहुंच जाएगी। भैया आपने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है यहाँ से, डिंपल यादव जी, भाजपा अभी तक नहीं कर पाई है, क्या समझा जाए? देखिए, भाजपा तिगड़म बाज पार्टी है। भाजपा दूसरों को धोखा देने वाली पार्टी है। भाजपा से कोई ईमानदारी की उम्मीद मत करना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी से ईमानदारी की उम्मीद करते हो तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हो, इसलिए अपने आप को धोखा मत दीजिए। भारतीय जनता पार्टी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो केवल प्रतीकों के नाम पर वोट मांगती है। समाज में कोई झगड़ा करा देगी, समाज को बांट देगी, खाई पैदा कर करके, नफरत फैला करके, झूठ बोल करके वो वोट मांगना चाहती है। और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों की टिकट कटने जा रही है, एक के सिवा, और जो वो एक है वो भी अपनी सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, जो पार्टी दिल्ली में 10 साल से राज कर रही है, उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार जनता ने सरकार बनाई हो, 17 साल से सरकार चल रही हो, वो अपने सांसदों की टिकट काटने जा रही हो, इनके मंत्री, इनके विधायक जमीन कब्जा के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। किसी भी मंत्री के बारे में आप जानकारी कर लें, वो जो कीमती ज़मीन होगी उसको कब्जा कर रहे होंगे, या कब्जा कराने में वहाँ कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे होंगे, अधिकारियों पे दबाव बना रहे होंगे। अगर ये बात सही नहीं है तो आप बताओ। मैं हमने तो सदन में कहा कि अगर ये चाहते हैं और ईमानदार बनते हैं तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते रजिस्ट्रियाँ? आप रजिस्ट्रियाँ सार्वजनिक करिए, अयोध्या की कर दो, गोरखपुर की कर दो, लखनऊ की कर दो, मैनपुरी की कर दो, इटावा की कर दो, आगरा की कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कौन सबसे बड़ा भूमाफिया है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा भूमाफिया कोई नहीं है।